Okay, students, we are going to start, today's class. हम लोग पिछले क्लास में न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने माउथ, बकल कैविटी, टीथ, टंग, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ एनस को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. आज हम लोग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ेंगे जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन. मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर. तो आप यहां पर देख सकते हैं हम लोग यहां पर क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को यहां पर हम लोग पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को. तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लैंड्स? तो ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में जो क्या करते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं, यानी हॉर्मोन्स को, एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं. प्रोटीन्स को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं. ठीक है, क्लियर. तो सिक्रीशन का काम करने वाले जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, ऑल दोज आर कॉल्ड ग्लैंड्स. तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहने का मतलब क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहने का मतलब है कि ऑल दोज ग्लैंड्स और ऑर्गन्स जिसका सिक्रीशन क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, यानी कि जिसका सिक्रीशन क्या कर रहा है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, वैसे ग्लैंड्स या वैसे ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं. क्लियर, समझ में आ रहा है? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे जो हम लोगों के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जो सिक्रीट करते हैं. क्या सिक्रीट करते हैं? तो सिक्रेशंस को, जिसमें आपका एंजाइम्स हो सकता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जूसेस हो सकता है. ठीक है, वैसे ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो सबसे पहले सेलिवरी ग्लैंड हम लोग पढ़ते हैं, सेलिवरी ग्लैंड. ठीक है, आपको पता है कि जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये सेलाइवा सिक्रीट करते हैं. ये क्या करते हैं? जो सेलिवरी ग्लैंड होते हैं ये क्या करते हैं? सेलाइवा सिक्रीट करते हैं. और इस सेलाइवा में क्या होता है? सेलाइवा में ना आपका एमाइलेज एंजाइम होता है, एमाइलेज, जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं, PTYLIN, टाइलिन. ये एमाइलेज नाम का एंजाइम क्या होता है? इस सेलाइवा में पाया जाता है और इसी से क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन, यानी कि ये फूड को ब्रेकडाउन करता है और हमारा जो डाइजेशन है, डाइजेशन वो इसी माउथ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में क्या है? सेलिवरी ग्लैंड है. और ये सेलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं? एमाइलेज नाम का एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसको टाइलिन भी कहते हैं. और ये फूड को, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट का काम करते हैं, यानी कि आपका जो स्टार्च, जो हमारा फूड मटेरियल है, उसको ये क्या करते हैं? उसको ये डाइजेस्ट करते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल जो है स्ट्रक्चर में उसको तोड़ने लगते हैं. तो इस तरह से स्टार्च क्या होता है? स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है और छोटा छोटा पार्टिकल में, जिसको हम लोग माल्टोज कहते हैं. ठीक है, क्लियर है? ठीक ना, तो यहाँ पर क्या होता है? सेलेवरी एमाइलेज होता है, जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं. ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर लाइसोजाइम, ये सेलाइवा के साथ में क्या होता है? एक लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या होता है? एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, LYSOZIME, लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं. ये लाइसोजाइम क्या करते हैं? ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है, जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फूड के साथ हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, उसको ये क्या करते हैं? ये किल करने का काम करते हैं, यानी इट एक्ट एज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट. ये क्या होते हैं? एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पर काम करते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एंटर कर रहे हैं थ्रू माउथ या थ्रू दैट फूड,
उसको क्या करते हैं, ये किल करते हैं, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दस प्रिवेंट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन, और इस कारण से इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। कौन? सलाइवा में, है ना। सलाइवा में क्या होता है, एक एमाइलेज नाम का एक आपका एंजाइम हो गया, और एक आपका क्या लाइसोजाइम बोलकर एंजाइम हो गया। ये दोनों क्या काम करते हैं, एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, और लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको किल करने का काम करते हैं। ठीक है, सलाइवा कहाँ होता है समझिएगा, सलाइवा जो है कहाँ होता है, तो तीन तरह का सलाइवा हमारे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है, तो यहाँ पर का थ्री मेजर आप कह सकते हैं, तीन पेयर जो है आपका, तीन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे बॉडी में यानी कि हमारे माउथ में होते हैं। ठीक है, क्लियर। तीन तरह के, एक आपका क्या होता है पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड PAROTID पैरोटिड। दूसरा क्या होता है सब मैक्सिलरी और तीसरा क्या होता है सबलिंगुअल। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, ये तीन तरह का ग्लैंड यानी कि ये पेयर में होते हैं, यानी पैरोटिड दो होंगे, सब मैक्सिलरी दो होंगे और सबलिंगुअल दो होंगे। ठीक है, ये ग्लैंड जो है ये क्या करते हैं, मतलब पेयर में रहते हैं, थ्री पेयर्स में रहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये जो आपका पैरोटिड जो होता है ये क्या होता है, आइदर साइड ऑफ द चीक। ठीक है, जो आपका चीक है, चीक के दोनों तरफ एक एक पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों जो है आपका चीक में एक एक जो है चीक साइड में क्या होते हैं, आइदर साइड ऑफ द चीक, दोनों जो है चीक साइड में आपका एक एक पाए जाते हैं। सब मैक्सिलरी क्या होता है, ये आपका एंगल ऑफ द लोअर जॉ, मतलब जो लोअर जॉ है यहाँ पर दोनों आपका लोअर जॉ के थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपका पाया जाएगा दोनों एक एक साइड में। ठीक है, और सब लिंगुअल क्या होता है, बीनीथ द टंग, टंग के नीचे में पाया जाता है। ठीक है, टंग के नीचे में पाया जाता है। तो ये आपका चीक में एक एक चीक में आपका क्या, एक एक पैरोटिड पाया जा रहा है, साथ ही साथ क्या है जो लोअर जॉ है उसके दोनों साइड में एक एक पाया जा रहा है, और फिर जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है, वहां पर क्या आपका एक टंग के नीचे में सबलिंगुअल पाया जा रहा है। तो इस तरह से ये तीनों जो है ग्लैंड हमारे शरीर में थ्री पेयर्स में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा होता है लीवर। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, लीवर। लीवर आपको पता है दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये हम लोग का बॉडी में, इसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है, हमारे बॉडी के सबसे अंदर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है दैट इज लीवर। ठीक है, लीवर को हम लोग कहते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन और लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्लियर। ये क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इट इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड एंड इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिन। ठीक है, ये क्या होता है, एब्डोमिन के अपर पार्ट में होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देखे थे, है ना, लेट मी शो यू डायग्राम कि लीवर का लोकेशन कहाँ होता है, सी हियर, है ना, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लीवर का जो लोकेशन है, इस तरह का लोकेशन यहाँ पर आपको, है ना, देखिए यहाँ पर लीवर का लोकेशन है। ठीक है, ये क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट जो है डायफ्राम के नीचे, है ना, डायफ्राम के नीचे पाया जाता है और स्टमक के, है ना, ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। और क्या होता है, ध्यान दीजिए, है ना, ये क्या करता है ना, बाइल जूस सिक्रीट करता है। ये क्या करता है, इट सिक्रीट्स बाइल जूस, और जो कि स्टोर होता है कहां पर, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और बाइल जूस क्या करता है, ध्यान दीजिए, बाइल जूस जो है वो कहां पर स्टोर होता है सबसे पहले, तो बाइल जूस स्टोर होता है आपका कहां पर, तो स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, वेरी गुड, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, ये करता क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर
कुछ बाइल जो जूस है उसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, है ना, सॉल्ट्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? तो ये फैट्स का डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, फैट्स का डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? ध्यान रहे, ये क्या करते हैं, जो आपका बाइल जो जूस है जो आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये आपका फैट का जो है, फैट को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स में ये हेल्प करते हैं। कौन? तो आपका जो बाइल जूस है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये क्या करते हैं एक्चुअली, ये कैसे वर्क करते हैं, तो आपको बता दूं कि ये जो बाइल जूस होते हैं, ठीक है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से हमारे बॉडी में एक लाइपेज एंजाइम होता है। क्या होता है? लाइपेज। ये लाइपेज का काम होता है फैट को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो ये लाइपेज को वर्क करने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए जो है बाइल जूस का काम होता है, यानी बाइल जूस क्या करता है, लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने में, उसको एक सुटेबल इन्वायरमेंट देने में हेल्प करता है, सो दैट कि लाइपेज जो है वो क्या कर सके, लाइपेज जो है लिपिड के ऊपर में, यानी कि आपको फैट के ऊपर में वर्क कर सके। फैट मतलब जो हम लोग ऑयल, घी, है ना, जो हम लोग चीज, बटर, ये सब जो खाते हैं, इसको ये क्या करे, डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके। ठीक है? क्लियर? नाउ इफ यू टॉक अबाउट पेंक्रियाज, द नेक्स्ट इज योर पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या है? पेंक्रियाज क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि पेंक्रियाज जो होते हैं, ये भी एक तरह का ग्लैंड है हमारे बॉडी में, ये भी क्या, एक ग्लैंड है, ठीक है। और ये जो है आप कह सकते हैं पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और जस्ट बिलो द स्टमक होता है, यानी स्टमक के जस्ट, है ना, नीचे में, स्टमक के जस्ट जो है नीचे में क्या होता है आपका, ये जो है आपका पेंक्रियाज ग्लैंड जो है वो होता है। क्लियर? ये पेंक्रियाटिक जूस, है ना, ये क्या करता है, ये पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है कहां पर, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर सिक्रेट करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका सिक्रेशन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो आपका जो पेंक्रिया, आपका पेंक्रियाज है और आपका जो लीवर है, दोनों जो है इनिशियली अलग अलग जो है पाइप से, अलग अलग ट्यूब से कनेक्टेड रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में एक ही ट्यूब से कनेक्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, यानी कि लीवर से जो बाइल जूस आता है वो भी इसी पाइप के जरिए, और जो आपका पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के जरिए जो पेंक्रियाटिक जूस निकलता है वो भी इसी जो है आपका कह सकते हैं पाइप के जरिए या इसी ट्यूब के जरिए आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? यानी कि आपका जो पेंक्रियाज है और लीवर है, दे शेयर कॉमन पाथवे, है ना, दे शेयर कॉमन, आप कह सकते हैं कॉमन जो है ट्यूब को वो शेयर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना सिक्रेशन को डालने के लिए। क्लियर? समझ में आ रहा है? इट एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। पेंक्रियाटिक जूस में होता क्या है ना, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। पेंक्रियाटिक जूस जो होते हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। आप हायर क्लासेस में चल के पढ़ोगे सारे एंजाइम्स को, है ना। फिलहाल आप जो है दो तीन एंजाइम्स को याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका लाइपेजेस हो गए, जो मैंने आपको पहले बताया लाइपेज, ठीक है। फिर यहाँ पर एमाइलेजेस होते हैं, फिर आपका जो है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर ट्रिप्सिन होते हैं, ठीक है, पेप्सिनोजेंस होते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पर काम करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं किसमें, पेंक्रियाटिक जूस में, ठीक है। और ये पेंक्रियाटिक जूस क्या करता है एक्चुअली, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो रहा है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये फाइनल डाइजेशन, मतलब आपका जो है बॉडी का जो कंप्लीट, आपका जो फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कंप्लीट डाइजेशन। तो ये कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए वहां पर सारे एंजाइम्स का अवेलेबल होना जरूरी है, तभी क्या होगा, जो कुछ फूड, जो भी हम लोग फूड जो है, जो भी फूड मटेरियल हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, वो क्या कर सके, वहां का एंजाइम्स उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर सके, तभी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा जो है हमारे बॉडी में।
तो ये जो पेंक्रियाटिक जूस है, ये डिफरेंट आप कह सकते हैं, इसका जो पेंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, जो पेंक्रियाज जो पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को स्मॉल स्मॉल पीसेस में, यानी स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे जैसे आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान दीजिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाया जाता है, जैसे राइस में हो गया, पोटेटो में हो गया, ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को जो है सबसे स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, जिसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल आपका अगर यहाँ पर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, सबसे इसका छोटा मॉलिक्यूल कौन सा है, तो दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, इसी तरह से अगर बात किया जाए कि प्रोटीन्स, जो हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं, प्रोटीन्स जैसे कि हम लोग दाल में प्रोटीन है ना मिलता है, दाल में प्रोटीन है, चिकन में प्रोटीन है, सोयाबीन में प्रोटीन है, मशरूम्स में प्रोटीन है, हायर प्रोटीन्स है, अधिक अधिक मात्रा में प्रोटीन्स है, तो ये क्या होता है, ये तो बड़ा अमाउंट में प्रोटीन, बड़ा जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में है, इसको सिंपलर, इसका सबसे छोटा फॉर्म क्या होता है, सबसे छोटा फॉर्म होता है एमाइनो एसिड। क्या होता है? एमाइनो एसिड होता है। ठीक है, तो आपका प्रोटीन्स किस में टूट जाता है? एमाइनो एसिड में टूट जाता है। ठीक है, फिर आपका बचता है फैट्स। फैट्स किस में टूट जाता है? फैट्स, या इसको हम लोग लिपिड भी कहते हैं, लिपिड भी कहते हैं। ठीक है, ये किस में टूट जाता है? ये टूट जाता है फैटी एसिड्स में, टूट जाता है फैटी एसिड और क्या, ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो है वो क्या होता है, ये सबसे स्मॉलर जो है, सबसे कम, सबसे छोटा जो है फॉर्म होता है, दैट इज फैट और लिपिड्स का, जो कि कंप्लीट कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर? नाउ अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट। न्यूट्रिशन इसमें हम लोग बात करेंगे रूमिनेंट में बात करेंगे, जैसे काओ में, गॉड्स में, सीप में, दीज आर कॉल्ड रूमिनेंट, यानी जो हार्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं, हार्बीवोरस एनिमल्स, ठीक है, इसमें डाइजेशन किस तरह से होते हैं, ठीक है, ये जो है आपको पता है, ज्यादा से ज्यादा ये क्या करते हैं, हार्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, वो खाते हैं प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स को ये खाते हैं। तो इनके बॉडी में जो डाइजेशन है वो किस प्रकार से होता है, और इनके अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूमिनेंट जो होते हैं, रूमिनेंट किनको बोला जाता है, वैसे एनिमल जो हार्बीवोरस होते हैं, मतलब हार्बीवोरस एनिमल का मतलब क्या है, जो अपना फूड है ना, जो अपना फूड के रूप में केवल क्या करते हैं, प्लांट या प्लांट पार्ट्स को जो है खाते हैं, ठीक है, दे आर नॉट मीट ईटर्स, ये मीट ईटर्स नहीं है, ये मीट नहीं खाते हैं, ये क्या करते हैं, केवल प्लांट या प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, जैसे ग्रासेस, ठीक है, लीव्स, स्टेम्स, ठीक है, फ्रूट्स, ये सब को खाने वाले जो एनिमल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं हार्बीवोरस एनिमल या रूमिनेंट कहते हैं, जैसे काओ, गॉट, सीप, डियर, ठीक है, ऑल दीज आर, यू नो, ऑल दीज आर हार्बीवोरस एनिमल्स और यू कैन से रूमिनेंट्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी डाइजेशन का जो प्रोसेस है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये भी क्या होता है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसमें इनमें भी बराबर होता है, इनमें भी सेम होता है, इनमें भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, उसी तरह से आपका जो प्रोसेस है, यानी जो आपका इंजेशन है, फिर डाइजेशन है, ठीक है, इसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन है, सिमिलेशनाइजेशन है, प्रोसेस सब सेम होते हैं, बट इनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या होता है, देखिए, दैट रूमिनेंट, रूमिनेंट क्या करते हैं, फर्स्ट ईट द फूड्स एंड रिगरगेट्स, रिगरगेट्स अ सेमी डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड कर्ड, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये जो रूमिनेंट होते हैं पहले क्या करते हैं, सारे फूड को एक साथ खा लेते हैं,
ठीक है, जैसे आप देखेंगे काव को अगर खाना उनको दिया गया है, वो क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा खाना एक ही बार में खा लिए, निगल गए, पूरा फास्ट में वो खाना को खा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, रिगरगिएट्स अ स्मॉल डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड कर्ड, यानी कि क्या होता है, फिर वो रेस्ट कंडीशन में जब आराम से बैठे हुए हैं तो वो क्या करते हैं, है ना, वो कर्डलिंग करते हैं, या इसको हम लोग रिमिनेटिंग कहते हैं। कहने का मतलब फिर से क्या होता है, वो अपना स्टमक से फूड को मुंह में लाकर, ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं, चबा चबा के अच्छा से उसको मेस्टिकेट करके, उसको अच्छा से ब्रेक डाउन करके फिर उसको, है ना, खाते हैं। तो ये जो फिर से है ना, ये जो फिर से जो है, मतलब स्टमक से फिर से फूड को ले आना माउथ में और फिर उसको अच्छा से चबा चबा के जो है खाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कडलिंग, या इसको हम लोग कहते हैं क्या, रूमिनेटिंग। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ये जो प्रोसेस है ना, रूमिनेटिंग, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं जुगाली करना। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जो है गाय या जो है बकरी या भेड़, ये लोग क्या करते हैं, खाना को एक साथ फास्ट में खा लिए, फिर जब खाली टाइम रहेगा उनके पास बैठे रहेंगे आराम से, खाना खाने के बाद आराम से बैठ गए, उसका दिन भर वो अपना मुंह चलाता रहेगा, जैसे हम लोग चिंगम खाते हैं ना, ऐसे चिंगम खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, मुंह चलता रहता है ना, उसी तरह से क्या होता है, ये लोग बैठकर इसी तरह से जो है वो रूमिनेटिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे क्लास में अगर कोई भी अगर बच्चा अगर च्युइंगम खाता है ना, तो मैं उनसे उनसे कहता हूँ कि आप जो है क्या, मतलब हार्बिवोरस एनिमल हैं क्या, रूमिनेंट है क्या, आप च्युइंगम खा रहे हैं, फिर आप में और गाय में और भेड़ में और गाय जो है क्या अंतर रह गया। तब फिर वो बच्चा खुद ही जाके च्युइंगम को बाहर फेंक के चला आता है। तो इसी तरह का क्या होता है कि जैसे हम लोग च्युइंगम खा रहे हो, चबा रहे चबा रहे चबा रहे चबा रहे चबा रहे ना, ये भी क्या कर रहे हैं, उसी तरह से अपना अपना जो है फूड को वापस स्टमक से माउथ में लाकर उसको क्या करते हैं, उसको चीविंग का काम करते हैं। ठीक है, तो इनका जो स्टमक होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्या होता है, इनका जो स्टमक होता है वो कई चेंबर में बटा हुआ होता है, समझिएगा, है ना, यानी कि रूमिनेंट्स हैव अ स्पेशल स्टमक विथ फोर चेंबर्स, चार चेंबर्स यहाँ पर होते हैं। पहला क्या होते हैं, रूमेन, और ये सबसे लार्जेस्ट चेंबर ऑफ द स्टमक होता है, और ये केवल फूड को स्टोर करने का काम आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, दिस इज रूमेन, नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, र्यूमेन है ना, ये जो आपका पार्ट है, लेट मी जूम इट, सी दिस पार्ट, है ना, ये क्या होता है, स्टमक का चार चेंबर है, और ये जो आप ये जो चेंबर देख रहे हैं, ये चेंबर में क्या हो रहा है, ये जो र्यूमेन है, और यहाँ पर फूड को स्टोर करने का काम हो रहा है, यानी फूड इज स्टोर्ड इन दिस चेंबर, यहाँ पर क्या होता है, फूड जो है वो आपका स्टोर्ड होता है। ठीक है, हर्बीवोरस में देन आपका क्या आता है, रेटिकुलम, यानी कि इट हेल्प्स इन मूविंग द फूड बैक टू द माउथ व्हेन नीडेड, और ह्यूमन क्या करता है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, ह्यूमन इज नॉट लेबल्ड ओवर हियर, ओके, देन रेटिकुलम, रेटिकुलम यू कैन से दिस स्ट्रक्चर को, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये फ्रंट वाला जो स्ट्रक्चर है, ये फ्रंट वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, रेटिकुलम। ठीक है, ये आपका हो गया र्यूमेन, जहां पर फूड स्टोर हो रहा है, ये आपका हो गया रेटिकुलम, ये क्या करता है, हेल्प करता है फूड को वापस माउथ में आने में, क्लियर, ये हेल्प करता है फूड को वापस माउथ में आने में। ठीक है, और देन आपका होता है ओमेजम, उसके बाद क्या होता है, ओमेजम, दिस इज द स्मॉलेस्ट चेंबर ऑफ द स्टमक, इट इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। ठीक है, तीसरा क्या होता है आपका, ओमेजम होता है, ओमेजम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज ओमेजम, दिस पोर्शन इज ओमेजम। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ओमेजम होता है, और ये लास्ट का पोर्शन आपका क्या है, एबोमेशम होता है।
ठीक है, क्लियर। तो पहले फूड कहाँ आता है, रिमेन में आता है, फिर जब भी उसको जो फूड को वापस जाने का जरूरत पड़ता है, ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है आपका रेटिकुलम में, रेटिकुलम से बाहर जो है माउथ में चला जाता है, फिर जब वो फूड डाइजेस्ट होकर यानी कि पूरा अच्छा से चेविंग होकर वो आता है तो चला जाता है ओमेशम में चला जाता है। ठीक है, ओमेशम में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर आपका क्या होता है जो लास्ट पोर्शन है स्टमक का, दैट इज योर एबोमेशम। एबोमेशम क्या होता है, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड ट्रू स्टमक। जो एबोमेशम है दिस इज कॉल्ड ट्रू स्टमक, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर एक्चुअली में स्टमक का जो फंक्शन है दैट इज डाइजेशन, है ना, यानी कि फूड क्या होगा, डिफरेंट 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 जो है आप कह सकते हैं एंजाइम के साथ में वो जो है मिलकर वो डाइजेस्टेड होगा। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, ये होता है आपका एबोमेशम में, एबोमेशम में ये होता है। ठीक है, तो एबोमेशम क्या एक्चुअली में वो ट्रू डाइजेस्टिव स्टमक है, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर फूड का एक्चुअली में डाइजेशन हो रहा है, फूड का क्या हो रहा है, एक्चुअल में डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, डाइजेशन, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने देखा कि जो स्टमक है वो चार चैम्बर में बांटा हुआ है, बाकी सब कुछ उसी तरह है, ओसोफेगस है, माउथ है, बकल कैविटी है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ऑल दीज आर यू नो सेम, बट यहाँ पर जो डिफरेंसेस है वो क्या है, स्टमक। ठीक है, स्टमक, स्टमक में यहाँ क्या हो रहा है, चार चैम्बर का बना हुआ है, र्यूमेन, ठीक है, रेटिकुलम, देन ओमेशम एंड एबोमेशम। जो एक्चुअल जो आपका स्टमक है दैट इज एबोमेशम है, इसमें क्या होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एक्चुअल, बिकॉज इसी में क्या होता है आपका, जैसे हम लोग का स्टमक में जैसे डाइजेशन हो रहा है, वो पूरा डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर आपका होता है। क्लियर, तो एबोमेशम इज कॉल्ड रियल, योर रियल यू नो स्टमक, जहां पर कंप्लीट क्या हो रहा है, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, जहां पर कंप्लीट जो है एंजाइम्स जो है यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और फूड को डाइजेस्ट करने के काम कर रहे हैं, डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ इफ वी टॉक, हम लोग तो ऐसे जान नहीं गए, अब जनरल चीज थोड़ा बात कर ले हम लोग की डाइजेशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ग्रास है या मान लीजिए जो लीव्स है, ठीक है, स्टेम्स है, उसको क्या करते हैं, फूड के रूप में वो ले लेते हैं, है ना, फूड के रूप में माउथ में ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, और आपको पता है ये जो है ना ग्रासेस होते हैं, लीव्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिच इन सेल्यूलोज होते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा सेल्यूलोज होता है। ठीक है, हम लोग भी लीफ वगैरह खाते हैं, हम लोग भी साग वगैरह खाते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सेल्यूलोज होता है। तो हमारे बॉडी में अपेंडिक्स जो होता है वो क्या होता है, वो आपका एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हार्बीवोरस में क्या होता है, अपेंडिक्स जो है वो क्या होता है, वो एक्टिव होता है, और ये क्या करता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। क्या होता है, जो फूड है सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं, माउथ के जरिए जो है कहाँ ले लेते हैं, फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टोमेक में, जहां पर हम लोग र्यूमेन बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, र्यूमेन में सारे फूड को एक साथ निगल जाते हैं। ठीक है, जहां पर क्या होता है, यहाँ पर जो है वेयर इट इज एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहां पर क्या होता है, र्यूमेन में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके र्यूमेन में, जो क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, और फिर वहां से क्या होता है, जो फूड है, ठीक है, र्यूमेन है ना, र्यूमेन से जो फूड है वो क्या होता है, फिर से वो वापस माउथ में ले लेते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, चीविंग करते हैं, स्मॉल स्मॉल यू नो स्ट्रक्चर में स्मॉल स्मॉल जो है पार्टिकल उसको तोड़ने का काम करते हैं, और फिर इसके बाद जब ये निगलते हैं तो क्या होता है, रेटिकुलम में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, रेटिकुलम में। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, यानी पहले तो यहाँ रहता है, यहाँ के बाद वो रेटिकुलम में चला जाता है, रेटिकुलम से बाहर जाता है बॉडी का, समझिएगा, यहाँ पर एक तो करेक्शन कीजिएगा, ये जो र्यूमेन है, र्यूमेन से फूड जाता है किसमें, रेटिकुलम में, और रेटिकुलम से बाहर जाता है फूड, यानी फिर से माउथ में। ठीक है, और फिर चीविंग के बाद क्या होता है, थर्ड चेम्बर ओमेजम में एंटर करता है, यानी कि जब चीविंग हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, फूड का, तो उसके बाद जब वो उसको निगलते हैं, सेलो करते हैं, तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है, वो ओमेजम में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ओमेजम में क्या होता है,
यहाँ पर भी आपका जो है स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, और फाइनली क्या होता है, फोर्थ चैम्बर यानी कि एबोमेशम में जो ये फूड एंटर करता है। एबोमेशम में क्या होते हैं, एक्चुअली डाइजेशन का जो प्रोसेस है, कंप्लीट डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, वो क्या होता है, एबोमेशम में होता है। और वहां पर जब डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ये जो है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और उसी तरह से फिर एनस के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर, तो आपका जो आपका देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन जो है क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है, दैट इज यू नो एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम दी यू नो एनस, यानी कि जो आपका आउटर ओपनिंग है एनस, उसके जरिए फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया डाइजेशन ऑफ फूड इन रूमिनेंट्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन एनिमल्स फिनिश हो गया। आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1-2 पहला चैप्टर का हमने आपको दिया था, अब आप जो है एक्सरसाइज 1-2 ठीक है इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर 2 आपका जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, इस चैप्टर को भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1-2। ठीक सर, है, सर यस बोलिए। बोल रहा कि एग्जाम में चैप्टर 2 न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स आ रहा है सर, प्लांट्स नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तो प्लांट्स नहीं आ रहा है तो आप जो है अभी फिलहाल मैंने तो दोनों चैप्टर खत्म कर दिया है, यस आप सर। हाँ आप जो है न्यूट्रिशन एनिमल्स को ज्यादा पढ़िए ठीक है, और प्लांट्स को आप जब जिस एग्जाम में वो आएगा उसमें पढ़िएगा। ठीक है, अगला ओके सर। अगला क्या चैप्टर आ रहा है आप लोग का, और क्या चैप्टर आ रहा है? सर 1 मिनट। रिप्रोडक्शन आ रहा है, ये एग्जाम में सिर्फ न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स ही आ रहा है। अच्छा ओनली, वेरी गुड। यस सर। और आप लोग बताइए, और सभी लोग बताइए। अच्छा और सभी लोग बताइए, सबका सेम सिलेबस है? सर मेरा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आएगा। दोनों आएगा, वेरी गुड। ईशानी का क्या आएगा? ईशानी आपका क्या क्या आ रहा है इस एग्जाम में? सर मेरा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एनिमल्स और फाइबर टू फैब्रिक आ रहा है। फाइबर टू फैब्रिक, ये बायो में तो नहीं होगा, इसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, फाइबर टू फैब्रिक देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमको बायो में पढ़ाना रहे तो हम पढ़ा देंगे, ठीक है कोई बात नहीं। सर लेकिन अभी हम लोग का स्कूल में सिलेबस बताया नहीं है अभी सर। स्कूल में अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और एनिमल्स तो पढ़ाया गया। ठीक 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 है ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे है ना रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, और अगर बीच में आपको स्कूल से सिलेबस मिल जाए कि कौन सा चैप्टर आने वाला है जो अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर वो नहीं आ रहा है तो ठीक है आप लोग बताएंगे तो मैं चैप्टर को चेंज कर दूंगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, तो आज ही स्टार्ट किया जाए रिप्रोडक्शन या नेक्स्ट क्लास में? कम ऑन स्टूडेंट्स बोलिए। तो सर आपको जो ठीक लगे। ठीक है, हम लोग आज रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है आपका देखिए है ना आपका मॉड्यूल में होगा, या आप डाउनलोड कर सकते हैं है ना, ऐप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है, दिस इज रिप्रोडक्शन। यस बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? नो सर। ओके, तो रिप्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? चलिए हम लोग, एक नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन देखिए एक ऐसा प्रोसेस है,
ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिज्म लाइक देयर ओन, ठीक है। यानी कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो रहा है? री, री का मतलब क्या होता है? अगेन। एंड प्रोडक्शन का मतलब मेकिंग न्यू थिंग्स, ठीक है। यानी कि फिर से कोई नया चीज बनाना, यानी कि फिर से कोई नया जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाना, दैट इज कॉल्ड, है ना, दैट इज कॉल्ड क्या? दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि नया लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाना ही कहलाता है रिप्रोडक्शन। और ये कौन बनाएगा? ये नया जो है प्रोडक्शन कौन करेगा? ये पेरेंट करेगा। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा संतान को प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट। अगर सिंगल है तो पेरेंट, अगर डबल है तो पेरेंट्स हम लोग बोलेंगे उसको, ठीक है। क्लियर? तो आपको पता है कि कुछ कुछ सेल्स, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, कुछ होते हैं मल्टीसेलर होते हैं, क्लियर। तो यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, एक ही सेल का बना होता है, एक ही सेल का बना होता है, वो सेल भी अगर एक से दो बन जाए तो ये रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि उन्होंने, उस सेल ने क्या किया, एक नया सेल को बनाया, ठीक है। तो किसी भी, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और कॉपी को तैयार कर रहा है, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म एक और बना रहा है, या अपने जैसा एक संतान को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़कर ये सभी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। कुछ जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें म्यूल की, है ना, अगर हम लोग बात करें म्यूल, तो इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें बीज में, है ना, यानी कि मधुमक्खी जो होता है, इसका जो आपका वर्कर बी होता है ना, इसमें कई टाइप का बी होते हैं ना, तो जो वर्कर बी होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। सारे बीज नहीं, केवल वर्कर बीज वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। या फिर अगर हम बात करें, है ना, बेबीज का, स्मॉल स्मॉल जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ह्यूमन के, दे आर ऑल्सो, यू नो, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, क्लियर। तो ये सब क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को करते हैं, चाहे वो एक सेल के बने हुए हो या बहुत सारे सेल के बने हुए हो, सभी लोग क्या करते हैं, अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, रिप्रोडक्शन जो होता है क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, दो टाइप्स के, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है क्या होता है, जो है वो दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, केवल एक, ओनली वन पेरेंट जो होते हैं, ओनली वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ओनली वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, और केवल अगर एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट से अगर ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो रहा है, या एक ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स, यानी कि आपका बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, जो क्या होते हैं, एक होते हैं मेल पेरेंट और एक होते हैं फीमेल पेरेंट होते हैं, ठीक है। एक मेल पेरेंट होते हैं और एक क्या होते हैं, फीमेल पेरेंट होते हैं। ये दो मिलकर क्या करते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी आपस में कॉपुलेशन करते हैं, ठीक है। और फिर एक नए ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति होता है, यानी ओरिजिन होता है, ठीक है, बनता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बींग की, तो ह्यूमन बींग में क्या होता है, हमारा एक रिचुअल्स होता है कि आफ्टर, है ना, जो है एक एज के बाद, सर्टन एज के बाद, है ना, मैरिज होता है। मैरिज होने के बाद मेल एंड फीमेल, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, दे प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, वो क्या होता है, अपना संतान उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। हायर एनिमल्स जितने होते हैं और हायर प्लांट्स जितने होते हैं,
दे मेनली गो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो हायर एनिमल्स और हायर जो आपका जो जैसे ह्यूमन की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना टेक्स प्लेस ओवर हियर। बट अगर बात करें हम लोग स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की, तो वो लोग क्या करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या करते हैं, अपने आप का डिवाइड करते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो अगर चलिए बात करें अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, हम लोग डिटेल में थोड़ा अगर पढ़ें तो ये क्या होता है, कई प्रोसेस से होता है। यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है कई तरीके से होता है। तो चलिए हम लोग बात करें, सबसे पहला टाइप दैट इज योर बाइनरी फ्यूजन। क्या बात करेंगे, बाइनरी फ्यूजन, यानी हम लोग ऐसे ऐसे रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे जिसके जरिए क्या होगा कि केवल एक ही पेरेंट है ना, वन पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और क्या करेंगे जो है वो अपने जैसा एक संतान को, अपने जैसा एक संतान को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन की। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, ध्यान दीजिए, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, तो बाइनरी फ्यूजन जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल पेरेंट दो इक्वल, एक सिंगल पेरेंट सेल दो इक्वल डॉटर सेल्स को बनाते हैं, या दो आप कह सकते हैं क्या बनाते हैं, दो जो है ऑफस्प्रिंग्स को बनाते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज पेरेंट सेल, ये किस में होता है, ये मेनली आपको देखने को मिलेगा बैक्टीरिया में, इसमें देखने को मिलेगा, तो बैक्टीरिया में ये बाइनरी फ्यूजन सबसे अधिक देखने को आपको बैक्टीरिया में यहां पर बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या कि ये जो एक सेल है वो धीरे धीरे क्या करता है, इलोंगेट करता है, यानी कि सेल का जो वॉल्यूम जो है ना, उसके अंदर जो मटेरियल है वो लोग क्या होता है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगते हैं, और इंक्रीज होकर क्या होता है, सेल जो है वो इलोंगेट करने लगता है, यानी सेल जो है वो बड़ा होने लगता है, ठीक है, क्लियर। तो एक पर्टिकुलर शेप होने के बाद बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जब वो बैक्टीरिया जो है वो सेल जो है जब काफी ज्यादा स्वेलिंग कर लिया है, या फिर आप कह सकते हैं जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है ना, तब क्या होता है उसके अंदर का जो मटेरियल्स है वो सब क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, संख्या में बढ़ने लगता है, साइटोप्लाज्म जो होते हैं सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो भी इंक्रीज होने लगता है, और इस तरह से सेल क्या होता है, एलोंगेट होने लगता है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, यानी कि न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस हम लोग नहीं कह सकते हैं, बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोइड होता है, आपको पता है कि कोई भी अगर एक सेल है तो सेल के अंदर में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब जो है छोटा 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 बॉडी होता है सेल के अंदर, और एक मेजर बॉडी होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है, उस न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, और सेल के सारे फंक्शंस को वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये जो आपका सेल है वो क्या होता है, धीरे धीरे सेल एलोंगेट किया, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं दैट इज न्यूक्लियोइड, वो क्या करते हैं आपस में, वो भी डिवाइड होने लगते हैं, और डिवाइड होकर एक न्यूक्लियस की जगह दो न्यूक्लियस को फॉर्म कर लेते हैं। जैसे ही वो दो न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं तो क्या होता है, जो आपका सेल है वो बीच से क्या होता है, बीच से क्या होता है आपका, कंस्ट्रिक्ट करने लगता है ना, जो है ये आप देख सकते हैं ये क्या है, कंस्ट्रिक्ट करने लगा, यानी कि बीच में क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। सेल वॉल क्या होता है, सबसे आउटर आउटर जो थिंग्स है आपका सेल का, दैट इज यू नो आपका जो बैक्टीरियल सेल का, दैट इज सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या होता है, ये सेल वॉल धीरे धीरे क्या होता है कि जो है बीच में दोनों न्यूक्लियस के बीच में फॉर्म होने लगता है, बनने लगता है, और जैसे ये सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ये दोनों जो आपका सेल है ये दो सेल बन जाते हैं और आपस में सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक पेरेंट सेल से दो सेल का बनना
दैट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन, यानी कि एक ही पेरेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है, बैक्टीरिया है ना, एक ही बैक्टीरियम यहाँ पर इन्वॉल्व है और वो क्या कर रहा है, दो बैक्टीरियम सेल को आगे चल के बना रहा है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, याद ध्यान रखने वाला बात क्या है कि जो दोनों सेल है, बोथ द सेल्स आर इक्वल इन साइज, दोनों जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं साइज में, और इसीलिए इसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन को हम लोग इक्वल डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, जो दोनों सेल जो नया बन रहा है ये बिल्कुल ही क्या है, साइज में एक दूसरे से बराबर पर है, साइज में एक दूसरे से बराबर पर है। नाउ द नेक्स्ट मोड इज बडिंग। नेक्स्ट मोड क्या होता है हमारा, बडिंग होता है। बडिंग में क्या होता है ना, बडिंग में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बडिंग का डायग्राम यहाँ पर दिया है, नहीं दिया कोई बात नहीं, मैं आपको बडिंग का डायग्राम बताऊंगा। बडिंग में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, खास करके अगर हम लोग बात करें ईस्ट में, ईस्ट क्या है, एक तरह का फंगस है, ईस्ट क्या है, फंगस है। अगर हम लोग बात करें हाइड्रा का, हाइड्रा क्या है, एक एनिमल है, हाइड्रा क्या है, एक एनिमल है। तो अगर हम लोग बडिंग के बारे में बात करें, बडिंग के बारे में, तो बडिंग में क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम ईस्ट के बारे में बात करें तो ईस्ट में क्या होता है, ये मान लीजिए ये ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है, ठीक है, ये इस तरह से ईस्ट है। थोड़ा और अच्छा से बनाए डायग्राम, रुकिए, हाँ चलिए देखते हैं ना, ये क्या है, ईस्ट है, या हमारे पास एक डायग्राम है, मैं आपको वो डायग्राम दिखाता हूँ, प्लीज वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, आई एम गोइंग टू शो यू दैट डायग्राम। थोड़ा वेट कीजिए, मैं वो डायग्राम आपको दिखाता हूँ, कहाँ सेव है, मैं एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ बडिंग का, है ना, बडिंग का। तो बडिंग में क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, देखिए ये बडिंग का डायग्राम है, ठीक है, ये क्या है, बडिंग का डायग्राम है। तो ये बडिंग में क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, वेट थोड़ा, आप देख पा रहे हैं ये क्या है, बडिंग है। यहाँ पर बडिंग किसमें किसमें हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको दो में बताया, एक बताया ईस्ट में, ये क्या है, ईस्ट है, ठीक है, और ये जो नीचे वाला आपका है दैट इज योर हाइड्रा, ये क्या है, हाइड्रा है, क्लियर। ईस्ट क्या होते हैं, एक फंगस होते हैं, और हाइड्रा देखने में प्लांट के जैसा है, बट ये प्लांट नहीं है, ये क्या है, एनिमल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ईस्ट में देख सकते हैं किस तरीके से बडिंग होता है, व्हाट इज बडिंग। तो बडिंग क्या, जैसे ईस्ट में आप देख रहे हैं क्या है, ये आपका ईस्ट सेल है, जहां पर आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है, वैक्यूल्स है, यानी इसके बॉडी के अंदर में बहुत सारे और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस और आपको वैक्यूल्स को दिखाया गया। वैक्यूल्स क्या होता है, जहां पर फूड स्टोरेज वगैरह होता है, और न्यूक्लियस क्या है, इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, और ये सारे सेल के सारे फंक्शंस को और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ले जाने में हेल्प करता है, इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ईस्ट है उसका न्यूक्लियस जो है वो इनलार्ज होने लगता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या, न्यूक्लियस जो है वो क्या है, इनलार्ज होने लगा है, और वो डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, दो न्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक है। ये दो न्यूक्लियस फाइनली, ये देखिए ये एक न्यूक्लियस हो गया और ये एक न्यूक्लियस हो गया, फाइनली क्या होता है, ये दो न्यूक्लियस जो दूसरा जो न्यूक्लियस बनता है ना, ये क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी से बाहर चले जाते हैं, एंड इट फॉर्म्स ए, है ना, बल्ज पार्ट, और यू कैन से बर्ड, एक तरह का बर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं, बर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्या करते हैं, बर्ड का फॉर्मेशन। जब न्यूक्लियस आपका सेपरेट होकर डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो है बर्ड का फॉर्मेशन होता है ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि ईस्ट के बॉडी से
एक जो है पार्ट बाहर निकलकर फूला हुआ देखने में लगता है, ये पार्ट बाहर निकल जाता है, जिसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस, खुद का वैक्यूल्स और अदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। इनिशियली क्या करते हैं, ये पेरेंट बॉडी से अटैच रहते हैं, है ना, जिसको हम लोग मदर सेल भी कह रहे हैं, ठीक है। इनिशियली क्या करते हैं, वो अटैच होते हैं मदर सेल से, और फाइनली क्या करते हैं, फाइनली जो है वो ये मदर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर, राइट अप नहीं हो रहा है, क्लियर। इनिशियली क्या होते हैं, इट इज अटैच विद द आपका पेरेंट सेल, या फिर आप कह सकते हैं जो आपका मदर बॉडी है उससे अटैच हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, फाइनली फाइनली जो है ये क्या होता है, ये जो है अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। तो अलग हो जाने के कारण देखिए, एक होता है छोटा, सॉरी एक होता है बड़ा और एक होता है छोटा, है ना, यानी कि अब दो ईस्ट, ईस्ट का जो दो है, दो दो बन गया है, एक ईस्ट जो शुरू में था, नाउ इट बिकम्स टू, अब ये दो ईस्ट बन चुका है। लेकिन क्या होता है, एक होता है साइज में बड़ा, लार्जर, और एक होता है छोटा। सो दैट्स व्हाई हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये अनइक्वल डिवीजन है। यहाँ पर इक्वल, जैसे बाइनरी फ्यूजन में इक्वल सेल बन रहे थे, यहाँ पर इक्वल नहीं बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग शेप का बन रहा है। ये बर्ड जो आपस में सेपरेट होके यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, और सुटेबल कंडीशन पाने के बाद वो एक जो है कंप्लीट मैच्योर जो है ईस्ट बॉडी को बनाएगा। इसी तरह अगर हम लोग हाइड्रा में देखें, तो हाइड्रा में क्या हो रहा है, हाइड्रा में आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, ये बल्ज आउट पार्ट, दिस इज कॉल्ड बर्ड, है ना, ये जो पार्ट धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रहा है ना, प्रोजेक्टेड पार्ट, दिस इज कॉल्ड यू नो बर्ड। और ये बर्ड धीरे धीरे क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद जब ये मैच्योर कर लेते हैं तो क्या करते हैं, ये एक तरह का कंस्ट्रिक्शन बनाने लगते हैं। कंस्ट्रिक्शन यू कैन सी यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मुड़ाव देख सकते हैं, यहाँ पर क्या स्ट्रेट है, यहाँ पर आप एक मुड़ाव देख सकते हैं। ये कंस्ट्रिक्शन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे है ना सेल को क्या करता है, ये जो आपका जो बॉडी है, इसको जो स्मॉल बॉडी है, इसको क्या करता है, सेल से यानी बर्ड को बॉडी से अलग कर देता है, ठीक है। तो ये जो है ये आगे चल के फिर एक नया बॉडी को फॉर्म करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पेरेंट बॉडी है और ये क्या है, डॉटर बॉडी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो है ऑफस्प्रिंग है ना, यंग हाइड्रा है जो आगे चल के क्या करता है, कंप्लीट हाइड्रा को फॉर्म करता है, मैच्योर हाइड्रा को फॉर्म करता है। तो ये दो डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ईस्ट में बर्डिंग हो रहा है, किस तरह से हाइड्रा में बर्डिंग हो रहा है, ठीक है। नाउ तो हम लोगों ने देख लिया है ना, क्या देख लिया, जो है हम लोगों ने देख लिया कि जो आपका बाइनरी फ्यूजन एंड बर्डिंग को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन को पढ़ा है, ठीक है, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा है, यहाँ पर बर्डिंग को पढ़ा है ना, बर्डिंग को पढ़ा है, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पोर फॉर्मेशन यानी कि स्पोर के जरिए जो है, यानी कि ये पॉइंट हमारा जो रहेगा है ना, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, इसको हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, क्लियर। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आप लोग अपना मॉड्यूल्स निकाल कर अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी डाउट होगा तो बताना है, और जैसे ही आपके स्कूल से सिलेबस रिलीज होता है कि ये चैप्टर एग्जाम में आएगा, ठीक है, वो हमको आप जरूर बताएंगे, सो दैट कि मैं उन्हीं सब चैप्टर को शुरू में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट है तो बताइए, इफ यू हैव एनी डाउट, दीपिका, ईशानी, सत्यम, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी, डिस्कस विथ मी। नो सर, नो डाउट, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, देन वी विल मीट यू नो इन आवर नेक्स्ट क्लास। हाँ बोलिए सर, आलोक सर बोले हैं कि फैब्रिक टू फाइबर जो चैप्टर आलोक सर पढ़ा देंगे। अच्छा ठीक ठीक, तो ये केमिस्ट्री में चला जाएगा है ना, वही हम पूछ रहे थे। yes. तो कोई बात नहीं, हाँ तो आपका फाइबर टू फैब्रिक उधर केमिस्ट्री से हो जा रहा है, फिजिक्स पोर्शन से कुछ दिया है क्या? नो सर, अगर अगर दिए होंगे तो आपका जो है अरविंद सर और प्रवीण सर ये लोग पढ़ा देंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर बायो में कोई दिक्कत हो हम हमेशा रेडी हैं, हम हमेशा तैयार हैं, और बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए है ना, आप लोग जो है जो कंसर्न टीचर हैं उनसे आप लोग संपर्क करेंगे, ठीक है, क्लियर। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं।
नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम, बाय सर, बाय।